हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश आर्ट एंड क्राफ्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एपॉक्सी टेबल कैसे बनता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में, हमारे बहुत सारे एपॉक्सी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसका प्रोडक्शन लाइन कैसा होता है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एपॉक्सी रिवर टेबल बनता कैसे है। अगर आपने हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट एपॉक्सी रिवर टेबल नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप विजिट कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए आई बटन को आप क्लिक कर सकते हैं, जहां पर हमारे एपॉक्सी रिवर टेबल के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बेस्ट क्वालिटी टीक वुड से। इसे फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत ही क्वालिटी वुड माना जाता है और हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स में इसी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टीक वुड के ग्रेन के अकॉर्डिंग जिग्सॉ से उसे प्रॉपर शेप दिया जाता है। और हाँ, ये पूरी तरीके से कस्टमाइज होता है, कस्टमर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और डिजाइन दे सकते हैं। अब बारी आती है इस रिवर टेबल के मोल्ड या फिर ढांचे की। हमारे रिवर टेबल के लंबाई और चौड़ाई को नजर रखते हुए इसका ढांचा बनाया जाता है। इस ढांचे को बनाने के लिए प्लाईवुड के सरफेस में पहले डक्ट टेप इस्तेमाल किया जाता है। डक्ट टेप इस्तेमाल करने के बाद हमारा ढांचा रेडी हो जाता है। ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि कॉर्नर से लिक्विड लीक कर जाता है, इसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है रेजिन मिक्सर करने की बारी, जहां पर केमिकल ए और केमिकल बी को प्रॉपरली अमाउंट में मिलाया जाता है और 5 मिनट के बाद मोल्ड के सरफेस में और ऊड के कट पीस में इसको अप्लाई किया जाता है और बीच बीच में हॉट एयर का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर अवॉइडिंग एयर बबल्स। इसके बाद यही प्रोसीजर को रिपीट करके बाकी के ऊड पीसेस को अरेंज किया जाता है। अप्लाई किया हुआ रेजिन सेट होने के बाद हमारा प्रोडक्ट का बेस अब रेडी हो चुका है। इसे सेट होने के लिए 8 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में अच्छी लगती हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को आप क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। यहाँ पर हर हफ्ते ऐसी वीडियो आती रहती है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप में, जहां पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। फिर से हम केमिकल ए और केमिकल बी को मिक्स करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर रेशियो में, वरना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ठीक से बन नहीं पाता है। यहां पे हम कलर पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम इसे मेटेलिक ब्लू शाइन का फिनिश दे रहे हैं। अगर कस्टमर चाहे तो अपना कस्टम कलर भी यहाँ पर एड कर सकता है। फिर इस मिक्सचर को प्रॉपरली मिलाया जाता है। अब इसके बाद इस मिक्सचर को मोल्ड या ढांचे में पोर किया जाता है। ये प्रोसेस देखने में बहुत ही सैटिस्फाइंग लगता है। पूरे केमिकल को ऐड करने के बाद हॉट एयर का हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर अवॉइडिंग एयर बबल्स। फिर से पूरे प्रोसेस को रिपीट किया जाता है और थर्ड लेयर को पोर किया जाता है। अब थर्ड लेयर को पोर करने के बाद पूरे रिवर टेबल को 8 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पूरे प्रोडक्ट के ढांचे को डिसमेंटल किया जाता है और प्रोडक्ट को निकाला जाता है। इसके बाद स्टेप 1 में वुड प्लेनर की मदद से इसके सरफेस को प्लेन किया जाता है। स्टेप 2 में एंगल ग्राइंडर के मदद से इसको सैंडिंग किया जाता है। अब
अब बारी आती है हमारे फाइनल प्रोसेस की, जहां पर हम हमारे प्रोडक्ट के सरफेस में रेजिन को फैलाते हैं। यहां पर हम टॉप कोटिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि टॉप कोटिंग के बाद हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी फिनिश देता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्रैक फ्री और वाटरप्रूफ हो जाता है। अब ये प्रोसेस होने के बाद हम हमारे प्रोडक्ट को 12 घंटे के लिए क्योर होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग एंड शाइनिंग के साथ ये रिवर टेबल आपके घर के शोभा बढ़ाने के लिए अब रेडी हो चुका है। हमारा ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आप भी चाहें तो बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक को आप क्लिक करके हमारा प्रोडक्ट आप रिव्यू कर सकते हैं और वहां से आप इजीली बाय कर सकते हैं। और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और बजट में आता है, आप चाहें तो इसके प्राइजेस भी वहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिया गया बेल आइकन भी दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।